लेट्स स्टार्ट द एट्थ पार्ट नाउ. मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर फोकस्ड ऑन इक्वलिटी. इक्वलिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेस. इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मोज्योर एंड मैडम, ऑल फ्रेंच मेन एंड वुमेन वर हेंसफोर्थ सिटियन एंड सिट योन. चर्चेस वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस. अब फ्रेंच सोसाइटी इक्वलिटी. अभी मैंने आपको बताया कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने इक्वलिटी को स्टेबलाइज करने पर ज्यादा फोकस दिया. तो जो मेल एंड फीमेल्स पहले फ्रांस में हुआ करते थे उन्हें मोज्योर और मैडम कहा जाता था, जो नोबल्स पीपल्स थे, एरिस्टोक्रेट थे, क्लर्जी पीपल्स थे. लेकिन मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की गवर्नमेंट ने यह कहा कि फ्रांस का कोई भी मेल या फीमेल हो, चाहे वो अपर सोसाइटी से हो चाहे वो लोअर सोसाइटी से हो, उन्हें पर्टिकुलर एक नाम से पुकारा जाएगा. जो आपके मेल मेंबर्स हुआ करते थे उन्हें सिट योन कहा गया, और जो फीमेल हुआ करती थी उन्हें सिट योन कहा गया. मीन्स सिटीजन, नागरिक, यानी सब इक्वल. चर्चेस वर शट डाउन. जितने भी चर्चेस आपके चर्चेस थे जो क्लर्जीज पीपल्स के अंडर जो जिनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, वो सारे के सारे बंद कर दिए गए. और जो उनकी बिल्डिंग्स थी कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस, उन्हें ऑफिशियल बिल्डिंग गवर्नमेंट के लिए बना दिया गया. रॉबेस्पियर परसुएड हिज पॉलिसी सो रिलेंटलेसली दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगन टू डिमांड मॉडरेशन. लेकिन जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की जो पॉलिसीज थी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, जिसकी वजह से जो उसके खुद के मेंबर्स थे, जो फॉलोवर्स थे उसके, जो उसके सपोर्टर्स थे, उन्होंने डिमांड किया मॉडरेशन की, पॉलिसीज में कुछ चेंजमेंट लाया जाए, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाए. लेकिन रॉबेस्पियर नहीं माने. फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द गुलेटिन. लेकिन बाद में रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल जो कोर्ट हुआ करते थे वहां पे रॉबेस्पियर के ऊपर प्रोसीडिंग की गया, कार्रवाई की गई, और उसमें रॉबेस्पियर को दोषी पाया गया, एक्यूज किया गया, और उसके बाद उसे भी गुलेटिन कर दिया गया. नाउ द कन्वेंशन के लीडर कौन थे, कौन लीड करके पावर में, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. अब जब रॉबेस्पियर को ही 1794 में गुलेटिन कर दिया गया तो सिचुएशन फ्रांस की बहुत ज्यादा बिगड़ गई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई. अब एक नई गवर्नमेंट फॉर्म में आई जिसका नाम था अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस. द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर. जो फ्रांस के वेल्दियर मिडिल क्लासेस पीपल्स थे उन्होंने सीज पावर, पावर को अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया. हर कोई पावर के पीछे भाग रहा था. अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रोपर्टीड सेक्शन ऑफ सोसाइटी. अभी भी फ्रांस में जो कॉमन पीपल थे उनके बीच में कुछ लोग ऐसे थे जो मोनार्की सिस्टम के सपोर्ट में थे. तो उन लोगों ने फिर से एक चीज स्टार्ट कर दी. क्या? कि नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि जो जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, जो वेल्दीएस्ट नहीं है, उन्हें वोट डालने का अधिकार ना दिया जाए. इट प्रोवाइडेड फॉर टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, और ये टू पार्ट्स में डिवाइड थी. आपने इससे पहले देखा था कि नेशनल असेंबली ने पावर्स को गवर्नमेंट को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया था, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, और किंग के पास एक वीटो पावर हुआ करता था. लेकिन इन सारी चीजों को देखते हुए इस बार जो गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी उसमें क्या किया गया था कि टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. फर्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड द सेकेंड वन इज द डायरेक्टरी, जिसे हम एग्जीक्यूटिव भी कह सकते हैं. लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो मेंबर्स थे वो डायरेक्टरी को इलेक्ट करते थे, और डायरेक्टरी में फाइव मेंबर्स हुआ करते थे. दिस वॉज मीन्ड एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ऑफ पावर इन अ वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबियंस. जैकोबियन गवर्नमेंट के टाइम पे आपने देखा कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने काफी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज को फॉलो करवाया, और जिसकी वजह से एक तरीके से वो डिक्टेटरशिप टाइप में रूल कर रहा था. इसी चीज को कम करने के लिए इस बार डायरेक्टरी में फाइव मेंबर्स को इलेक्ट किया गया, जिससे कि ये सिचुएशन दोबारा ना बन सके. हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हु देन सॉट टू डिसमिस देम. कई बार ऐसा हुआ करता था तो जो डायरेक्टरी के मेंबर्स थे वो नोबल्स पीपल्स हुआ करते थे, या फिर एरिस्टोक्रेट, जो वेल्दीएस्ट पीपल थे सोसाइटी के. क्यों? क्योंकि इन्होंने तो पहले ही कहा था कि जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उन्हें वोट डालने का राइट नहीं मिलेगा. तो ये आपस में ही झगड़ा करते रहते थे मेंबर, जिसकी वजह से लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ने डायरेक्टरी को डिसमिस कर दिया, भंग कर दिया.
The political instability of the territory paved the way for the rise of military dictator Napoleon Bonaparte. और बाद में सिचुएशन ऐसी बनी कि जो मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट उसे पावर में आने का मौका मिला. Through all these changes in the form of government, the idols of freedom, of equality before the law, and of fraternity remained inspiring idols that motivated political movement in France and the rest of Europe during the following century. और फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा जो पॉलिसीज थी इक्वलिटी लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैल गई. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिड विमेन हैव अ रेवोल्यूशन. अब जो विमेन्स थी हमने आपको पहले भी बताया था कि विमेन्स नेशनल असेंबली के टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया गया था ड्राफ्ट किया गया था फ्रांस का तो उन्हें पैसिव सिटीजन्स में रखा गया था एक्टिव सिटीजन्स में नहीं रखा गया था. पैसिव सिटीजन्स में और जो वुमेन्स की जो कंडीशंस थी वो बहुत ज्यादा माइजरेबल थी. लेकिन जो वुमेन्स हैं उन्होंने भी अपने पॉलिटिकल ग्रुप्स बना रखे थे क्लब्स बना रखे थे. लेकिन जैकोबियन क्लब्स ने जो वुमेन्स के पॉलिटिकल क्लब्स थे ग्रुप्स थे उन्हें बिल्कुल बैन कर दिया. यानी ये कह दिया गया कि वुमेन्स किसी भी प्रकार की किसी भी टाइप की पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगी. नाउ देयर आर टू फेमस political clubs in France. The first one is the Society of Revolutionary and the second one is Republican Women was the most famous of them. One of their demands. अब उनकी main demands क्या थी? ये सभी ये चाहते थे कि जो right to vote है वोट डालने का अधिकार जो women's को नहीं दिया गया था वो इन्हें चाहिए था. क्योंकि 1791 का जो संविधान था उसने women's को passive citizens में रख दिया था. Then Jacobians का जो आपकी government है कन्वेंशन जब वो रूल में आई तो उन्होंने क्या किया जितने भी विमेन्स पॉलिटिकल क्लब थे उन्हें बैन कर दिया. पॉलिटिकल एक्टिविटीज में विमेन्स को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं किया. तो अब विमेन्स के पास ये टाइम था अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपने डिमांड्स को सबके सामने रखें. तो ये चाहते थे कि हम विमेन्स को भी आगे बढ़ने का मौका मिले. सो देयर अदर्स फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज. तो कुछ रूल्स और पॉलिसीज उसके बाद चेंज की गई जिसमें यह कहा गया कि विमेन्स के लिए नए स्कूल खोले जाएंगे और उनको जॉब ट्रेनिंग दी जाएंगी और उनके मर्जी के खिलाफ उनकी शादी नहीं कराई जा सकती है. तो ये सारी चीजें थी आपकी विमेन्स की कंडीशंस के बारे में. और विमेन्स काफी समय से अपने राइट के लिए फाइट कर रहे थे गवर्नमेंट के साथ और फाइनली फ्रांस में जो विमेन्स को वोट डालने का अधिकार मिला वो 1946 में था. It was finally in 1946 that women in France won the right to vote.